हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल मुस्तफ़ा। आज हम बात कर रहे हैं परमाणु परीक्षण, जनता के राष्ट्रपति और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो है मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखते हो, बल्कि ये वो चीज़ है जो आपको नींद नहीं आने दे। आज ही के दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को। मेघालय की राजधानी शिलांग में बच्चों को संबोधित कर रहे थे, अचानक दिल का दौरा पड़ जाने से हृदय गति रुक गई और वो इस संसार को अलविदा कह दिए। आज हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में विस्तार से जानेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। अब्दुल कलाम इनका खुद का नाम, जैनुल आबदीन इनके पिता का नाम, पाकिर इनके दादा का नाम और अबुल इनके परदादा का नाम था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में हुआ था। ये बेहद गरीब परिवार में जन्म लिए थे। इनका परिवार जो था वो बहुत बड़ा था, संयुक्त परिवार था, क्योंकि इस परिवार में 5 भाई और 5 बहनें थीं, जिनमें कलाम साहब सबसे छोटे थे। कलाम साहब के पिता जैनुल आबदीन जो है, घर के बगल में ही एक मस्जिद है, उस मस्जिद में इमामत का काम करते थे। कलाम साहब जो है शुरू से मेहनती छात्र रहे। जब ये क्लास 5वीं कक्षा में जो है रामेश्वरम में पढ़ रहे थे, तभी जो है इनके जो शिक्षक थे वो जो है बताते थे कि पक्षियाँ कैसे उड़ती हैं, और इनको बहुत बेहतर तरीके से समझाने के लिए समुद्र के किनारे विद्यार्थियों को ले जाया करते थे। जो है वहीं पर जो है कलाम साहब ने एक दिन ठान लिया कि मैं भी जो है इन्हीं पक्षियों की तरह एक दिन उड़ूंगा, और उन्होंने जो है पायलट बनने का सपना देखा। रामेश्वरम से जब पढ़ाई पूरी किए तो ये सेंट जोसेफ कॉलेज से जो है यहाँ से इन्होंने BSc किया, जो कि तिरुचिरापल्ली में है। BSc करने के बाद इनका रुख चेन्नई के MIT कॉलेज की तरफ हुआ। MIT कॉलेज मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो उस समय का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज था जो है, लेकिन वहाँ पर जो है एडमिशन के लिए इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि जो है वो इसमें एडमिशन ले सकें। इनकी एक बड़ी बहन थी जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। बहन का नाम था जोहरा। जोहरा को जब ये बात पता चला कि भाई का एडमिशन पैसे की वजह से नहीं हो रहा है, तो ये भाई के पास आती हैं और अपने जेवरात को कलाम को देती हैं और कहती हैं कि इन जेवरात को बेचकर जो है आप एडमिशन ले लीजिए। लेकिन कलाम साहब कहते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी उजाले में रखने के लिए आपकी ज़िंदगी अंधेरे में नहीं रख सकता। लेकिन बहन के समझाने पर कलाम साहब मान गए और कलाम साहब ने उन जेवरात को बेच दिया, और इस तरह वो चेन्नई के MIT कॉलेज में प्रवेश ले लिए, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 1950 की बात हो रही है ये, तो यहाँ से ये जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त किए। ये डिग्री प्राप्त करने के लिए अब चूंकि भाई परिवार बेहद गरीब था, परिवार को चलाना है, तो अब जो है नौकरी की तलाश, तो इनको 2 जगह इंटरव्यू के लिए जाना था। एक तो जो देहरादून जाना था और दूसरा दिल्ली। देहरादून जो था वो एयरफोर्स की नौकरी थी और देहरादून वैज्ञानिक, तो ये क्योंकि ये पायलट बनना चाहते थे तो ये देहरादून गए, वहाँ इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू में 25 विद्यार्थी पहुँचे, जिनमें 8 लोगों को ही सिलेक्ट होना था, और कलाम साहब का 9वीं रैंक आया, और कलाम साहब मायूस हो गए, दुखी हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और उसके बाद वापस आए जो है दिल्ली, और वहाँ पर जो है इसरो में काम करना शुरू कर दिए। और यहीं इसरो में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो में जो है इनका साथ मिला। जो है उस समय अपने समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे विक्रम साराभाई के अंतर्गत इन्हें काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, और उन्हीं की देखरेख में SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो था आपका, उस पर एक रोहिणी उपग्रह उसके अंतर्गत उस पर काम करना इन्होंने शुरू किया।
ताम 1979 में जाकर जो है इस सैटेलाइट को इस तब तक विक्रम साराभाई जा चुके थे, सतीश धवन जो थे वो इसरो के अध्यक्ष बन चुके थे। 1979 में जब सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, रोहिणी उपग्रह को लॉन्च किया गया, तो ये पूरी तरह से विफल हो गया। अब विफल जब हो गया तो मीडिया वाले जो है पूरी तरह से चढ़ गए जो है कि ये वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं, देश का सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सतीश धवन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सतीश धवन जो है उसमें जो है ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। और सतीश धवन ने कहा कि बहुत जल्द हम इस पर जो है बेहतर काम करेंगे और जल्दी ही इसका हम सफल परीक्षण कर लेंगे। और ठीक 1980 में इस SLV-3 रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित किया जाता है और ये पूरी तरह से सफल रहता है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतीश धवन कहते हैं कि इसका सारा श्रेय जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाता है। हालांकि वो मुख्य हेड थे, लेकिन इससे पहले भी थे वो हेड, उस सलाहकार थे जो है उसके जो है परियोजना के, लेकिन उस समय सतीश धवन ने उसे अपने ऊपर ले लिया। और अब ऐसे ही ये लोग महान नहीं कहलाते हैं, इन अपने कर्म की वजह से ये लोग महान कहलाए जो है। सतीश धवन एक महान वैज्ञानिक थे। देखिए जब गलती कलाम साहब से हुई, वो जो है परियोजना के जो है मुख्य थे, तो सारा गलती अपने ऊपर ले लिए थे, और जब सफल हुआ तो सारा श्रेय कलाम साहब को दे दिए। खैर छोड़िए, भारत में निर्मित भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह 1980 में जब पूरी तरह से सफल रहा, तो इंदिरा गांधी जी ने जो है शिखर धवन के पास, सतीश धवन के पास जो है फोन किया कि हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं। तो कलाम साहब जो है और शिखर जो है सतीश धवन ये सब जो है इंदिरा गांधी जी के पास पहुंचते हैं। इंदिरा गांधी जी के साथ जो है वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी भी जी रहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी गले लगा लेते हैं। इंदिरा गांधी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि मतलब ये एक मुसलमान लड़का है। कलाम अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं क्या हुआ जो है, ये तो पहले एक भारतीय है, एक वैज्ञानिक है, और यहाँ से यहीं पर इसरो में ये काम कर रहे थे, तो यहीं पर जो है सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि ऐसा है कि आप इसरो में क्या काम कर रहे हैं, आप DRDO में चलिए। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर जहाँ पर मिसाइलें बनती हैं, परमाणु बम वगैरह बनते हैं। कलाम साहब वहाँ चले गए, DRDO से जुड़ गए। DRDO में जाने के बाद ये लगातार प्रयास संघर्ष करते रहे और इन्होंने पृथ्वी जैसी मिसाइल जो है भारत को दिए। अग्नि पहली बार में विफल हुआ, दूसरी बार में विफल हुआ, लेकिन तीसरी बार में जो है अग्नि, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मिसाइल मानी जाती है, वो अग्नि मिसाइल है। और इस तरह हाहाकार मच गया, पड़ोसी देश हिल गए, यूरोपियन जैसे देश जो है सोचने पर मजबूर हो गए कि भारत जैसा देश मिसाइल कैसे बना लिया, भारत जैसा देश मिसाइल कैसे बना लिया। क्योंकि उस समय कुछ ही देशों के पास मिसाइल थे, जैसे चीन हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, रसिया हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, इन्हीं देशों के पास केवल मिसाइल। भारत छठा देश बन गया मिसाइल के रूप में जो है, छठा देश हो गया। इसीलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया, क्योंकि भारत में मिसाइल के जनक जन्मदाता कहे जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने पृथ्वी, नभ, आकाश, त्रिशूल, ब्रह्मा, अग्नि जैसी मिसाइल जो है भारत को दिए। 1998 ईस्वी में इन्हें दोबारा, 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, सफल परीक्षण था, दूसरा 1998 में सफल परीक्षण हुआ, और इस तरह लगा दो बार जो है परमाणु परीक्षण सफल रहा जो है। तो ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है आप देखें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब 1991 में जब रिटायर हो गए, तो रिटायर होने के बाद इन्होंने कहा कि अब हम जाते हैं कहीं स्कूल खोलते हैं जो है। कैबिनेट में जो लोग थे उन्होंने कहा कि बताइए इतना बड़ा वैज्ञानिक अब स्कूल खोलेंगे, तो उनको कहा गया कि ऐसा है कि आप जो है रक्षा मंत्री भारत सरकार के जो है आप जो है वैज्ञानिक सलाहकार बन जाइए। और इस तरह कलाम साहब जो है 1992 से 1999 तक ये वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य किए।
इसी समय कार्य कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता में थे, उन्होंने कलाम साहब को फोन किया कि मैं आपको मंत्री का पद देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि हम कल बताते हैं। उसके बाद जो है कलाम साहब ने कहा, उन्होंने जो है मना कर दिया मंत्री बनने से। कोई बात नहीं, 1999 में जब जो है वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में हटे तो 2000 में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया। तब फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कलाम साहब को फोन किया कि हम आपको भारत का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। इस पर कलाम साहब ने कहा मुझे एक घंटे का टाइम दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा आप चाहे दो दिन का तीन दिन का समय ले लीजिए, लेकिन आंसर हाँ में ही दीजिएगा। और इस तरह कलाम साहब ने हाँ कर दिए। कलाम साहब जो है राष्ट्रपति के मैदान में, पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी भाजपा और कांग्रेस के समर्थन से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। 90% से ज़्यादा मतों से ये जो है राष्ट्रपति का चुनाव जीते। ये भारत के इतिहास में अपने आप में एक इतिहास है, शायद ही भविष्य में कोई भी प्रेसिडेंट इतने भारी मतों से चुनाव जीतेगा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जीते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष सब लोगों ने समर्थन कर दिया और इस तरह ये भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक ये भारत के प्रेसिडेंट रहे, भारत के राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति रहे जो है। और ये देश के तीसरे, और इन्हें पद्मश्री, इन्हें देश के 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और भारत रत्न, इन्हें पद्म भूषण 1981 में मिला, जो देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इन्हें पद्म विभूषण 1990 में मिला और इन्हें भारत रत्न अवार्ड जो है 1997 ईस्वी में मिला, जो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विशिष्ट योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें इन अवार्डों से सम्मानित किया है। 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों ने इन्हें डॉक्टर की मानदीय उपाधि से भी सम्मानित किया है। तो ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था। ये तो एक वैज्ञानिक थे, भारत का एकमात्र वैज्ञानिक जो देश का प्रेसिडेंट बना वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति के पद प्राप्त करने से पहले ही इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त। इससे पहले दो और राष्ट्रपति हिंदुस्तान में हुए हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले ही जो है इन्हें जो है भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें 2 जनवरी 1954 को ही मिल गया था। एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, उन्हें जो है 1969 में वो प्रेसिडेंट बने 1967 में ही। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के तीसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले ही इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। ये 2002 में भारत के राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन इन्हें 1997 में ही इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। तो ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मैं बात करूं तो मैं खुद 2014 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के घर पे गया था। मैं रामेश्वरम गया था। मैं आप बात करूं, आज हमारे नेता जो छोटे मोटे नेता हैं उनके अगर आप घर देखेंगे तो कलाम साहब का घर बहुत छोटा था। मैं जब गया रामेश्वरम तो मैं देखकर हैरान हो गया। जब मैं MLK PG कॉलेज MA फाइनल ईयर का स्टूडेंट था तो MLK कॉलेज की तरफ से मैं रामेश्वरम टूर गया था। मैं कलाम साहब का घर देखा, मैंने सोचा शायद बहुत बड़ा आलीशान बंगला होगा, लेकिन ऐसी कुछ भी नहीं। वो तो उनकी जो है उनकी ज़िंदगी पूरी जो है सादगी थी। उनके घर के सामने जो है छपरे का घर था। तो ये थे स्टूडेंट्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। इन्होंने अपने लिए तो कुछ नहीं किया और लेकिन इन्होंने भारत देश का काफ़ी नाम रोशन किया। इनके पिता जैनुल आबदीन इन जो है अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाए लिखाए, और इन्हीं अच्छे संस्कार की वजह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
आज जो है वो भारत वो जो है वैज्ञानिक बने और भारतीय संविधान आर्टिकल 52 के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता भारत के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए। जब पहुंचे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ये साबित कर दिया कि यदि कोई देश में गरीब है या अमीर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो व्यक्ति मेहनत करेगा संघर्ष करेगा वही देश की सर्वोच्च सत्ता पर आसीन हो सकता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, पढ़ाएं लिखाएं, ताकि आपका भी बच्चा जो है आपका नाम रोशन कर सके, इस देश का नाम रोशन कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ।